नमस्ते, मैं मंजू भदौरिया। आज कक्षा अष्टम पाठ है फसल उत्पादन व प्रबंध। इस विषय में आपको जानकारी दूंगी। हम सभी जानते हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और इस भोजन के लिए हम किस पे निर्भर करते हैं? पेड़ पौधे व जीव जंतु पर, क्योंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। हम किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधे पर। और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब हमारे दिमाग में प्रश्न होता है कि हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, इन प्रक्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि जो भोजन है हम पेड़ पौधे से प्राप्त कर रहे हैं, इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? पेड़ पौधों को उगाना होगा। लेकिन हमारे देश की जो जनसंख्या है इतनी ज्यादा है, उसके लिए हमने क्या करा कि एक ही किस्म के पौधों को हम क्या करते हैं कि बड़े पैमाने पे उगाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो हमारे पास एक सबसे पहले प्रश्न आता है कि फसल हम किसे कहते हैं। तो एक ही किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। और हम जानते हैं कि हमारे भारत में क्या है, विशेष प्रकार की जलवायु, विविध प्रकार की विभिन्नता है जलवायु में। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। तो ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। तो फसल जो होती है, फसल को अपन कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे। कौन कौन सी फसल हो जाएगी ये? पहली हमारी फसल होगी रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल, तीसरी होती है जायद फसल। जायद फसल। अब हम रबी की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर से फरवरी माह तक बोई जाती है। अक्टूबर से फरवरी माह तक कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है। और अब इसके उदाहरण अपन देखेंगे, तो उदाहरण में कौन कौन से हो जाएंगे? गेहूं, चना, मटर आदि। इसी प्रकार से जो खरीफ की फसल होती है वो कहां से कहां तक होती है? ये बोई जाती है जून से लेकर के सितंबर तक, जून से लेकर के सितंबर तक। अब इसके उदाहरण अपन देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे ये? बाजरा, ज्वार, धान आदि। और भी कई उदाहरण है। तो इसी प्रकार से ये खरीफ की फसल होगी। अब आती है जायद की फसल। तो जायद की फसल जो होती है वो कौन से माह में बोई जाती है? तो जायद की फसल जो हमारी होगी, ये होगी अपनी, जायद की फसल अपनी मार्च से जून माह तक बोई जाती है। अब इसके अंतर्गत में तरबूज, खरबूजा, लौकी ये फसलें आती हैं। तो फसल जो हमारी होती है कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। और फसल की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि जनसंख्या के साथ हमें धान की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए फसल की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न एक हमारे पास आता है कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल में क्या अंतर है? तो हम ऋतु के आधार पर दे सकते हैं, उसके साथ ही उदाहरण देंगे और कौन से माह से कहाँ तक होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो फसल है, फसल को क्या करते हैं? बोने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसको, इस चरण को अपन क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। और कृषि पद्धति
क्या होगी कि जब किसान जो होते हैं कुछ समय अवधि में उनको किसी किसी चरण से होकर के गुजरना पड़ता है और इसे अपन क्या कहेंगे, कृषि पद्धति कहेंगे। अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है फसल उत्पादन प्रक्रिया। फसल उत्पादन प्रक्रिया किसे कहेंगे कि फसल बोने से लेकर के और कहाँ तक जाएगा, फसल बोने से लेकर के जब हम उसको बाजार में ले जाकर के बेचेंगे वहां तक की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाती है, फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाएगी। और फसल उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत में हमें निम्न उससे गुजरना होगा। पहला आता है मिट्टी तैयार करना। आज हम सिर्फ इस पॉइंट को लेंगे, इसके आगे की चरण है उसको हम कल देखेंगे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हम क्या देखते हैं कि किसान जो होता है हल है कुदाली है या ट्रैक्टर इनका उपयोग करता है। मिट्टी पोला करना इसलिए जरूरी होता है कि जो जमीन के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होते हैं और साथ ही जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जमीन के अंदर तक जाती हैं जिससे वहां से वो क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कल अगले चरण में अपन बुआई जुताई कटाई और सिंचाई इसके संबंध में जानकारी लेंगे। नमस्कार।